हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कस्से वीडियो में। तो मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ यूपी TSSC वीडियो दी एग्ज़ाम 2023, जिसका जो एग्ज़ाम डेट था 26 से 27 जून को, इसका जो है एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें जो है टोटल पोस्ट हैं 1953 टोटल इसमें पोस्ट हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 4 सेक्टर में हुआ था। तो इसका जो सवाल है, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ? इसका देखिए, इसमें जो है टोटल पोस्ट थी 1953, इसमें जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527 पद थे, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद थे और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद थे। इसमें टोटल 1953 पद हैं इसमें। इसका जो है ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे भर्ती है, 5200 से 20200 इसका वेतन मान है। इसका जो एग्ज़ाम हो चुका है 26 से 27 जून का इसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हो चुका है इसका, री एग्ज़ाम हुआ है इसका जो है दोबारा। पहले जो है भर्ती जो है रद्द हो चुकी थी, अब जो है दोबारा एग्ज़ाम हुआ है इसका। इसका जो है सिलेबस था, हिंदी आई थी इसमें, 50 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, और रीजनिंग आई थी 50 क्वेश्चन की, और GK आई थी 50 क्वेश्चन की। टोटल जो है 150 क्वेश्चन आए थे इसमें। एक क्वेश्चन जो है 2 अंकों का था, इसलिए जो है 300 अंकों का ये पेपर था। समय जो है इसमें 2 घंटे का ये पेपर था। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा इसमें। तो इसमें जो है लोगों का क्वेश्चन है, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ इसमें? देखिए, इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए वैसे। देखिए नोटिस, देखिए आप सभी लोग, पहले नोटिस दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए ये नोटिस दिया हुआ है, जो नोटिस आया था नॉर्मल, ऊपर लिखा हुआ है UPSSC, ऊपर लिखा हुआ है देखिए UPSSC नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नोटिस। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नोटिस जो है 22 मई 2019 को आया है नोटिस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के संबंध में नोटिस आया था, आयोग ने जारी किया था नोटिस। UPSSC आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के संबंध में ये नोटिस जो है जारी किया था 22 मई 2019 को। इसमें देखिए पढ़कर बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आयोग द्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों की प्रकृति के अनुरूप विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक हो जाती है और उन समस्त अभ्यर्थियों की एक दिन में एक पाली शिफ्ट में व्यवस्थित ढंग से परीक्षा आयोजित किया जाना संभव नहीं हो पाता है। उक्त स्थिति में परीक्षा को 2 अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। आवेदन पत्रों की संख्या मतलब अत्यधिक हो जाती है अगर, तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराना जो है संभव नहीं हो पाता है, इसलिए 2 या अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराना अनिवार्य हो जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे जो है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आयोग द्वारा 2 अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण ढंग से अंकों के निर्धारण हेतु या नॉर्मलाइजेशन के लिए विशेषज्ञों की एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी द्वारा संस्तुत नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को आयोग की बैठक दिनांक 17 मई 2019 को अंकित किया गया है। आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 20/2016, 23/2016, 25/2016, 26/2016, 28/2016 तथा वर्ष 2018 के विज्ञापन संख्या 4/2018। तो देखिए वीडियो का जो विज्ञापन संख्या था 2/2018 था वीडियो का विज्ञापन संख्या। इसमें जो है विज्ञापन संख्या तो इसमें जो है वीडियो का दिया नहीं है इसमें। इसमें लिखा है 4/2018, इसमें जो है 4/2018, 5/2018 और 6/2018 लिखा हुआ है। लेकिन जो वीडियो का जो है एग्ज़ाम तो जो है रद्द हो चुका था, अब जो है री एग्ज़ाम हुआ है वीडियो का। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2019 के विज्ञापन संख्या 1/2019 और 2/2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों जिन पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, मतलब जिनका लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, कि भविष्य में 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अगर भविष्य में कोई भी परीक्षाएं होती हैं 2019 के बाद, भविष्य में कोई भी परीक्षाएं होती हैं 2019 के बाद, 1 से अधिक शिफ्टों में अगर परीक्षाएं होती हैं तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसमें जो है लिखा हुआ है, देखिए उल्लेखनीय है कि आयोग के आगामी विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जहाँ 1 से अधिक शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी उन परीक्षाओं पर उक्त नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जा सकेगी। मतलब अगर 1 से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया
100% होगी इसमें, यानी वीडियो में जो है इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ है यानी 2023 में, तो इसमें जो है नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर भविष्य में कोई परीक्षा होती है और एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो इसमें जो है नॉमिनेशन जरूर होगा उसमें उस भर्ती में। इसी नोटिस में जो है लिखा हुआ है साफ साफ इसमें जो है देखिए, लेकिन इसमें जो है वीडियो का विज्ञापन संख्या इसमें दिया नहीं है, वीडियो का कोई भी मतलब विज्ञापन संख्या, लेकिन वीडियो का जो है एग्ज़ाम, लेकिन जो वीडियो का जो एग्ज़ाम हो चुका था और उसके बाद ये नोटिस आया है तो इसमें इसलिए इसमें क्या है विज्ञापन संख्या नहीं दिया हुआ है वीडियो का। इसमें लिखा हुआ है 4 परीक्षा 2018 और 5 परीक्षा 2018, लेकिन वीडियो का जो विज्ञापन संख्या है 2 परीक्षा 2018 है। और ये जो नोटिस आया है ये नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिस आया है 22 मई 2019 को ये नोटिस आया है, लेकिन वीडियो का जो एग्ज़ाम जो है रद्द हो चुका था, अब जो है दोबारा एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर भविष्य में कोई परीक्षा होती है 2019 के बाद तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन ज़रूर किया जाएगा, इसमें जो है वीडियो में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, 100% इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे। तो मैंने आप सभी को नोटिस बता दिया है, मतलब वीडियो में जो है नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, 100% होगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 26-27 जून को दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और 2 दिन इसकी परीक्षा चली है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। इसमें जो है 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और नोटिस में भी लिखा हुआ है नोटिस में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस देख लिया है, तो इसमें जी देखिए नॉर्मलाइजेशन 100% होना चाहिए, आप सभी लोगों ने नोटिस देख लिया होगा, तो नोटिस में लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है इस क्यों हुआ इसमें, कारण इसका जो है इसमें जो है एक से अधिक शिफ्ट में अगर कोई भी पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है 100% होता है उसका। अगर कोई भी पेपर जो है एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाता है किसी भी भर्ती का तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है, तो इसमें जो है इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट इसमें जो है 4 थी, 4 शिफ्ट में इसमें जो है एग्ज़ाम हुआ है और 2 दिन इसका पेपर चला है, 26 और 27 जून को, 26 को भी मतलब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 27 को भी इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए इसमें, 100% इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप सभी लोगों का क्वेश्चन ये था कि नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें वीडियो री एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन इसमें जो है 100% होना चाहिए, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अगर किसी भी भर्ती का एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है, आयोग के अनुसार, आयोग का जो है नोटिस आया था, मैंने आप सभी को नोटिस दिखा दिया है, तो नोटिस के अनुसार जो है नॉर्मलाइज 2019 के बाद जितनी भी मतलब भर्ती आएंगी 2019 के बाद, नोटिस में लिखा हुआ है 2019 के बाद जितनी भी मतलब वैकेंसी आएंगी और जिसका एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा आयोग के अनुसार, नोटिस आपने देख लिया होगा, मैंने नोटिस दिखा दिया है आप सभी लोगों को। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।